क्रिसमस और 31st यानी कि 31 दिसंबर पर नगर में यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है। बाहर से आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पार्किंग की व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। वहीं पुलिस केवल उन्हीं लोगों को अपने वाहन ले जाने की अनुमति देगी जिन्होंने वहां रुकने के लिए होटल की बुकिंग कराई होगी। वहीं बाइकर्स पर भी यही नियम यानी कि रूल्स लागू होगा। और इसके अलावा 31st के दिन नगर में 70% पार्किंग फुल हो जाने के बाद गाड़ियों को रूसी बाईपास, भवाली मस्जिद, तिराहे और नारायण नगर में पार्क किया जाएगा, जहां से शटल के माध्यम से यात्रियों को नगर में भेजा जाएगा। जिन होटल वालों के पास में पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध होगी, उन सभी होटल वालों को अपने अतिथियों के वाहनों की जानकारी पुलिस को देनी होगी, जिससे कि उनकी गाड़ियों को रोक नहीं लगा पाए और उन पर कार्रवाई न की जाए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो नैनीताल का न्यू ईयर सीजन है उसके लिए हमने तैयारियां कर ली है। हमने अपने लेवल पर फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट का प्लान है वो तैयार किया है। रही इसके साथ ही जो हमेशा हम करते हैं कि जब न्यू ईयर सीजन चलता है तो हम जो रूसी वाली हमारी पार्किंग है उसको शुरू करते हैं, वहाँ शटल सर्विसेज शुरू करवाते हैं। इसके अलावा जो टूरिस्ट जिनके पास होटल बुकिंग होगी उन्हीं को हम अलाउ करेंगे, जो बिना बुकिंग के आ रहे हैं या ऐसी जगह उनकी बुकिंग है जहाँ पर पार्किंग अवेलेबल नहीं है तो उनको हम शटल सर्विसेज से भेजेंगे। इसके साथ ही जो बाइकर्स हैं उनका भी हम इस बारे रोकथाम के लिए हमने आदेश दिए हैं कि जो ऐसे बाइकर्स हैं जिनकी बुकिंग नहीं है या जो सब टूरिस्ट सीजन में आ रहे हैं उनको हम इस बार रोकने की कोशिश करेंगे, ताकि नैनीताल शहर में उस तरीके का।